हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को घर पे ही खुद से एलोवेरा जेल कैसे बनाए वो बताने वाली हूँ, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, और बिल्कुल नेचुरल एलोवेरा जेल होने वाला है। तो जी हाँ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे पास एक एलोवेरा लीफ है। आपको भी इसी तरीके से लेना है, और आपको बहुत इजीली ये मिल भी जाते हैं। आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं, या अगर घर में आपके पास एलोवेरा का पेड़ है तो आप उसे ले सकते हैं। तो आपको इस तरीके से इसको लेना है और इसे कट करना है। मैं यहाँ पे पीस जो देख रहे हैं बहुत बड़ी है, तो मैं इसको 20 से पार्ट में डिवाइड कर लूंगी। और जी हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखनी, आपको एलोवेरा को खूब अच्छी तरीके से धो लेना है, और इसका जो येलो पार्ट होता है वो आपको इसमें इस्तेमाल में नहीं लेना है, तो उसको निकाल दे जब आप उसको यूज कर रहे हो। तो इस तरीके से हम इसका साइड निकाल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से उसके बाद हम इसको बीच से कट कर लेंगे। सेम हम इसको भी करेंगे। तो जी हाँ, हम देख सकते हैं मेरे पास इस तरीके से पीसेस कट हो गई हैं। अब हम इसको बीच से जी दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से इसे डिवाइड कर लेंगे। और आपको क्या करना है, आपको एक बोल लेना है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो अब इसका जो फ्रेश पल्प है, हम इसको इस बाउल में ले लेंगे। इस तरीके से आप चाहे तो इस तरीके से अगर आप इसे निकालते हैं तो बहुत इजी रहेगा, आपको इसे मिक्स भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने इस तरीके से एलोवेरा जेल को निकाल लिया है। मैंने क्या किया, जैसे इसका आप देख रहे थे तो वैसे मैंने एलोवेरा का जो गूदा था उसको मिक्सर में लेकर उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, ताकि स्मूथ पल्प मेरा तैयार हो सके। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, या स्पून की हेल्प से ही मैश कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। जी हाँ, क्योंकि एलोवेरा जेल जो होता है वो हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ें और ऐड कर देंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदा देगा हमारे स्किन को। तो इसमें मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज करूंगी। जी हाँ दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इसमें यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ। कोकोनट ऑयल में बहुत ज्यादा यूज नहीं करी, थोड़ा सा हाफ टी स्पून के करीब इसमें ऐड करूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो कोकोनट ऑयल मैंने इसमें डाला था वो इस पूरी तरीके से इसमें मिक्स हो चुका है। बात करूँ कोकोनट ऑयल की, तो कोकोनट ऑयल जो होता है उसमें बहुत ज्यादा विटामिन ई होता है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन ई के बारे में मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है, और विटामिन ई पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाकर जरूर देखिएगा। तो विटामिन ई की मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, हमारे स्किन पे जो डार्क सर्कल होते हैं, अनइवन स्किन टोन होता है, स्पॉट्स, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम होती है स्किन की, उसको खत्म करके आपकी स्किन को लाइट बनाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम करता है। और लास्ट चीज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है एसेंशियल ऑयल। अगर आप एसेंशियल ऑयल यूज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदे इसमें ऐड करूंगी। जी मैं यहाँ पे जो एसेंशियल ऑयल यूज कर रही हूँ वो है पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, और ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए। तो जी हाँ, क्योंकि मेरी जो स्किन टोन है वो कॉम्बिनेशन है और मुझे एक्ने की प्रॉब्लम होती रहती है, तो मैं इसलिए मैंने यहाँ पे इसे यूज किया है। तो आप इसके जगह अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई से भी एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। एक्ने प्रोन है तो मेरे तरह पेपरमिंट या टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बढ़िया सा हमारा घर पे ही एलोवेरा जेल बन करके तैयार हो गया, और ये 100% प्योर एलोवेरा जेल है। मार्केट के जो एलोवेरा जेल होते हैं बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। आप हमें इसे कंटेनर में फिल कर लेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा एलोवेरा जेल घर पे बन करके तैयार है। मैंने कितने सिंपल तरीके से आपको घर पे एलोवेरा जेल बनाना बताया है, और आप इसे बना करके देखिए, ये बहुत ज्यादा आपके स्किन को हील करेगा। आपके मतलब ये आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करने के साथ साथ आप अपने ऐसे हेयर्स पे भी, फुल बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 100% नेचुरल एंड सेफ एलोवेरा जेल है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो और मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।